हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, प्लेसमेंट इंचार्ज महाराजा अग्रसेन कॉलेज हबोहर पंजाब से। जिंदगी का एक ही लक्ष्य बनाएं, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छा जीवन पाएं। जी हां, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज लेकर आया हूं। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, बगैर कोई स्किप किए हुए, ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके। तो आज आप सबका समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं इस वीडियो की ओर। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जिसका पूरा एड्रेस होगा प्लॉट नंबर 6, सेक्टर नंबर 90, नियर 137 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा, यूपी के अंदर, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी 10वीं पास, प्लस 2 पास और आईटीआई पास। तो आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आपने 10वीं कर रखी है या प्लस 2 कर रखी है या आईटीआई कर रखी है, तो इस जॉब पाने के लिए, अब इसके अंदर यदि आपने 10वीं कर रखी है तो जल्दी से जॉब के लिए जाएं, लेकिन यदि आपकी आईटीआई है तो आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए। तो आईटीआई की जो ट्रेड्स होंगी वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही ट्रेड्स एलिजिबल होंगी इस जॉब के लिए। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने घंटी को भी जरूर दबा लें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि जिस ग्रुप में आप शेयर करेंगे वो ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 10वीं या 12वीं के बाद जॉब करने की इच्छा रखता है। तो आप सबका ये फर्ज बनता है कि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो जो कंपनी बनाती है वो मोबाइल और एलईडी दो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अंदर जो जेंडर की बात करें, यानी कि कौन जॉब लग सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स यानी कि बॉयज ही जॉब के लिए जा सकते हैं। फीमेल यानी कि गर्ल्स अभी इंतजार करें मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। इसके अंदर कंपनी का प्रोसेस क्या होगा, तो कंपनी में आपको नीम ट्रेनिंग के थ्रू रखने वाली है, जिसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड होगा 3 साल के लिए। यदि आप कंपनी के अंदर 3 साल बहुत ही अच्छा कार्य कर लेते हैं और कंपनी के जो सीनियर्स आपके वर्क से बहुत ही इंप्रेस होते हैं, तो आपको ऑन रोल भी किया जा सकता है। यह कंपनी की बहुत ही अच्छी पॉलिसी लेकर आई है। अब इसके अंदर बात करें प्रोफाइल की, यानी कि आपको क्या जॉब मिलेगी, तो इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपको असेंबलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, प्रोडक्शन के लिए बुलाया जा सकता है, क्वालिटी के लिए बुलाया जा सकता है, मेंटेनेंस के लिए बुलाया जा सकता है और स्टोर कीपर के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो यदि आप में जो क्वालिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग वहां पे मिलने वाली है। अब बात करें सैलरी की, तो बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड हो रही है 10वीं 12वीं और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आईटीआई के लिए इसमें टोटल आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो है 10,000 रुपए और 10वीं 12वीं के लिए होगी 9,180 रुपए, प्लस आपको ओवरटाइम भी मिलेगा। साथ में आपको कंपनी और क्या क्या बेनिफिट्स देने वाली है, स्पेशल अलाउंस जो मिलेगा आपको वो 3,000 रुपए है और परचेजिंग अलाउंस आपको 550 रुपए भी मिलेंगे, प्लस जो आपको ओवरटाइम मिलने वाला है वो आपको अलग से मिलेगा। वर्किंग आवर्स की बात करें तो इसमें ड्यूटी 8 घंटे की होगी, लेकिन अभी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं, तो इसलिए कंपनी लगातार ओवरटाइम लगा रही है और ओवरटाइम में भी आपको जो सैलरी अलग से मिलेगी। तो 8 घंटे प्लस ओवरटाइम, 2 घंटे हो चाहे 4 घंटे हो, आपको वहां पे वर्क करना होगा। वर्किंग आवर की बात करें तो इसके अंदर टोटल वर्किंग आवर मिलेंगे आपको 25 दिन। अब बात करें इसके अंदर कंटीन की, कंटीन आप में जो चार्जेस लेगी
जो कि 10 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज पे किया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्नैक्स, चाय और साथ में एक टाइम का खाना भी मिलेगा। साथ में कंपनी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो भी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, तो ये आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा कह रहा हूं कि बार बार इसे शेयर करें, सभी तक शेयर करें और खुद भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुन लें ताकि जानकारी आपको मिल सके। अब बात करते हैं कंपनी की नेक्स्ट पॉलिसी की, तो वो है कंपनी आप सबके लिए रूम की व्यवस्था नहीं करेगी, वो आपको खुद को करनी होगी। नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छी न्यूज है स्पेशली पंजाब, राजस्थान और यूपी बिहार के कैंडिडेट्स के लिए, तो यूपी बिहार वाले बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। कंपनी की पॉलिसी है कि इसके अंदर 200 किलोमीटर से अधिक वाले ही कैंडिडेट्स को वो जॉब के लिए बुलाएंगे। इसमें स्पेशली लोकल कैंडिडेट्स यानी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कंपनी जॉब के लिए अलाउड नहीं करेगी, तो ये उन सब के लिए बहुत ही बैड न्यूज भी है। लेकिन घबराने की चिंता नहीं है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो कि आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएगी और अगले लगातार 10 दिन तक लगातार आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सभी कंपनीज के अंदर लगातार वैकेंसीज निकल रही है। मेरे पास खुद के पास इतना समय नहीं है कि मैं आप सबके लिए वीडियो बना पाऊं, लेकिन जितनी हो सके आप सबसे सबके पास इंफॉर्मेशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी हर वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक अंत तक सुनते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं इसके अंदर एज की, तो एज आप सबके लिए ये भी एक अच्छी न्यूज है कि एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 वर्ष। अब आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपनी जो है आपको सैलरी कम दे रही है, क्योंकि मारुति एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी सैलरी देती है, लेकिन वो कंपनी आपको 7 महीने या 1 साल की रखती है, उसके बाद आपको ड्रॉप आउट कर देती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस कंपनी के अंदर परमानेंट या ऑन रोल होने के चांसेस आप सबके लिए हैं। अब बात आती है सबसे लास्ट और वो है इंटरव्यू डेट की, तो इंटरव्यू की जो डेट फाइनल की गई है वो है 24 नवंबर 2020 दिन मंगलवार के दिन, तो ये मंगलवार बहुत ही नजदीक है। अपनी तैयारी कीजिए और वहां जाकर इंटरव्यू देने के लिए निकलिए अपने घर से। आप सबको जॉब अपने घर पे नहीं मिलेगी, आपको निकलना होगा, बाहर जाना होगा, वहीं आपको जॉब मिलेगी। जो टाइम है इंटरव्यू का वो सुबह 10 बजे से लेकर आपको 2 या 3 बजे तक इंटरव्यू आपकी एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको रिपोर्ट कब करनी है कंपनी के गेट के ऊपर, तो रिपोर्ट आपको करनी है 9 बजे सुबह यानी कि मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे आपको कंपनी के गेट पर रिपोर्ट करनी होगी, जहां से आपकी 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगी। उससे पहले जो प्रोसेस होगा कंपनी का वो आपसे करवाया जाएगा। अब बात आती है कि आप कॉन्टेक्ट किसे करेंगे, यानी कि आप जब जाएं तो वहां पे कॉन्टेक्ट किसे करेंगे, तो कॉन्टेक्ट करने के लिए जो नंबर मैं दे रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुने। जिनका नाम है मिस्टर गौरव मित्तल जी और उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8860011174, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी, अगर इस जानकारी में कुछ एक्स्ट्रा आपसे आप पूछना चाहें तो आप हमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे आप सिर्फ हमें वही पूछे जो इस वीडियो के अंदर नहीं है, कुछ और आपके सवाल आपके दिमाग में है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को सुनते भी नहीं है और आप सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर देखकर कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें एडवाइस दी जाती है वीडियो को पहले अच्छी तरीके से सुन लें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं हो पाता कि एक एक बच्चे को ये जानकारी प्रोवाइड करवाई जा सके। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का जो समय होगा वो चाहे हमें हो चाहे गौरव मित्तल जी को हो,
कॉल आप सिर्फ वर्किंग टाइम के अंदर ही करें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमें भी अपने परिवार के अंदर बैठना होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कॉल करते हैं, रात को भी करते हैं, तो प्लीज उन्हें हाथ जोड़कर बेनती है कि आप उस समय कॉल ना करें, सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंदर ही कॉल करें। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भी मिले, तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर फिर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर अपनी जानकारी ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन आगे भी बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।